तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर देखो देखो, दवाई की कालाबाजारी करने वाले रूम सर्विस वाले के साथ हाथापाई कर रहे हैं। Congratulations and celebrations, Pandey ji Mumbai se yahan pe a gaye. Congratulations. Stop the celebration, Advan. Stop it. Chapak chacha baga. Chapak jethalal tum. हाँ. आप भी इनसे मिले हुए? Hey, shut up. मैंने तेरे तो कुछ भी बोलने का. तुम जानते हो मैं कौन हूँ? अरे ये है इंस्पेक्टर चालू पांडे. झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डंडे. I'm on duty. सर आप इन लोगों को जानते हो? जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इनको. जेठालाल, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, जबकि कल रात मैं ठीक से सोया था, फिर भी सपने में नहीं सोच सकता कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे, वो भी इन कपड़ों में. अरे चालू जी, पांडे जी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे यहाँ मिलेंगे, वो भी इन कपड़ों में. इन कपड़ों का क्या मतलब है? तुमने मुझे इन कपड़ों के अलावा कब देखा है? बहुत बार देखा है आपको, ऐसा क्या कर रहे हैं आप? अच्छा कब भाई? एक तो याद है एक बार होली में आप आए थे गोकुलधाम सोसाइटी में. हाँ? तभी भी सादे कपड़े में थे आप. गांव वालों, अरे आवारे आवा, क्या बोले? सब मिलके चालू पांडे जी को रंग लगावा. फिर एक बार वो लेदर का जैकेट पहन के आए थे. अरे हाँ, अरे जेठा, एक बार मैंने अपने वो शादी वाला सूट पहन कर आया था ना, जो हम लोग ढूंढ रहे थे किसी को, कि एक चालाक ईमानदार और हैंडसम इंस्पेक्टर, उसे पकड़ने के लिए इस सूट के अंदर छिप कर बैठा है. इस मौसम में ये थ्री पीस सूट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा आपको? अनकंफर्टेबल तो मैं तब से हूं जब ये सूट मैंने पहली बार पहना था. क्या मतलब? ये मेरे शादी का सूट. नमस्ते, गुड मेमोरी जेठालाल. जेठालाल दवाई की कालाबाजारी नहीं कर सकता. एक्सक्यूज मी. अरे तुम जहां वहीं रहो. आर यू श्योर? जो लोग दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं वो लोग यही हैं? हाँ सर, यही है सर. ये लोग दिखते शरीफ है पर यही है, और इनके साथ और भी लोग हैं. जेठालाल जी, क्या तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी हैं? हाँ है ना, पत्रकार पोपटलाल और उसके एक असिस्टेंट है भारती. वो दो और तुम तीन, मतलब हम पांच, पूरी टीम बनाकर आए हो. पांडे जी, टीम तो बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि क्या है, अकेले आदमी का काम नहीं है ये. I know. वैसे हाथी भाई भी थे, लेकिन उनको बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा. मतलब पूरा गोकुलधाम इन्वॉल्व है इसमें? नहीं नहीं नहीं, पूरा गोकुलधाम नहीं है. जैसे बाघा ने बताया, पहले पत्रकार पोपटलाल और हाथी भाई है. लेकिन फिर हाथी भाई को वापस मुंबई जाना पड़ा. तो अभी पत्रकार पोपटलाल है और हम तीन है, तो कुल मिला के हम चार है. कोई कहीं से भी आया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम लोगों को लंबी और कड़ी से कड़ी सजा मिले. अरे सजा हमको क्यों? तुम लोगों को लंबी से लंबी सजा दिलवाऊंगा. हो सकता है तुम लोग अपने अच्छे बिहेवियर के कारण जेल से जल्दी छूट भी जाओ, लेकिन तुम्हारा शरीर तो जेल के बाहर होगा, लेकिन तुम लोगों की आत्मा जेल के अंदर सड़ती रहेगी. ये आप
क्या बोले जा रहे हैं चालू जी पांडे जी? आप क्या कुछ नशा बसा करके आए क्या? क्या बोला, क्या बोला? सॉरी, मैं ऑफ ड्यूटी नहीं पीता, अभी तो मैं ऑन ड्यूटी हूँ। अरे जब खांसी होती है तो मैं कफ सिरप नहीं पीता, लोग बोलते हैं कि उसके पीने से थोड़ा हो जाता है, पर तुम कहते हो मैं नशा करता हूँ। अब ये सब क्या बोल रहे थे? शर्मानी चाहिए तुम लोगों को। चाचा जी आपसे उम्मीद नहीं थी, दवाई खाने की उम्र में आप दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। आम लोगों को दवाइयां और इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा देश परेशान है। क्या बोल क्या रहे हैं आप चालू पांडे जी? दवाई की कालाबाजारी हम लोग? हाँ हाँ तुम लोग, इस मैनेजर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ए, मैनेजर क्या बताया तूने? वही जो आपके बेटे ने मुझे बताया। चाचा क्या बताया तूने इसको? वो तो मैं आपको बता चुका हूँ बाबूजी। अरे लेकिन अभी याद नहीं है ना मुझे, तू बोलना भाई क्या बताया? अरे तुमने इसको बताया, उसने उसको बताया, इसने इसको बताया, लेकिन किसने किसको क्या क्यों बताया कोई मुझे भी बताएगा? मैं बताता हूँ चाचा जी, आपके बेटे ने मुझे कहा कि अगर चिंतामणि से शादी करनी है तो तुम्हें थोड़ा पैसा कमाना पड़ेगा, और उनके पास पैसा कमाने का बहुत अच्छा रास्ता है। अभी ये जो कोरोना वायरस की महामारी चल रही है ना, उसको लेकर एक जबरदस्त बिजनेस चल रहा है, कोरोना वायरस की दवाई की कालाबाजारी का। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे पास दवाई के कालाबाजारी करने वालों का कॉन्टेक्ट है तो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें लाखों रुपए दूंगा कमीशन में। जेठालाल तुमने बोला था ना? बोला था। Yes! बोला था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों बोला था? वो मेरी बात तो सुन लीजिए। दरअसल क्या है कि रिजॉर्ट के स्टाफ में से कोई तो ये दवाई की कालाबाजारी करने वालों के साथ मिले हुए। हाँ। वो चेक करने के लिए मैंने इनके साथ ऐसा झूठ मूठ का नाटक किया। मतलब ड्रामा कर रहे? हाँ। बाकी आप तो मुझे क्या, हम सबको इतने सालों से जानते हैं, हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं? दवाई के काला जी नहीं कर सकते क्या ऐसा? देखो जेठालाल, मेरे इतने लंबे करियर में मैंने एक चीज नोटिस की, बड़े से बड़े गुनाह में जिस पर शक ना हो अक्सर अंत में वही गुनहगार निकलता है। इस बार तुम लोगों ने ऐसा गुनाह किया है कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे अरे, अरे पांडे बेटा एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अरे हम दवाई की कालाबाजारी करने वाले नहीं है, हम तो उल्टा दवाई की कालाबाजारी करने वाले को पकड़ने आए हैं। हाँ। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम एक काम करो, हमारे सब अकाउंट देख लो, तुम्हें कोई घोटाला नहीं मिलेगा। हमारा घर देख लो, दुकान देख लो, गोडाउन देख लो, सब चेक कर लो, ना कोई दवाई मिलेगी और ना ही कोई इंजेक्शन मिलेगा। इस कोरोना काल में भी किसी को पता ना चले ऐसे हमारे सेठ जी ने कितनों को मदद की है। हाँ। वो ऐसा नहीं कर सकते। पांडे बेटा अभी ये सब बातें छोड़ो, हमारे पोपटलाल और भारती की जान खतरे में है। जान खतरे में है मतलब? मतलब ये जो दवाई की कालाबाजारी करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने पत्रकार पोपटलाल और पोपटलाल की असिस्टेंट वो भारती, वो दोनों का किडनैप कर लिया है। हाँ। क्या किडनैप पोपटलाल? क्यों? कुछ दिन पहले मुंबई में पत्रकार पोपटलाल का एक खबरी है, तो खबरी ने पोपटलाल को एक खबर दी थी। अरे साहब कोरोना की महामारी से लोग मर रहे हैं और हम लोगों को तो दवाई तक नहीं मिल रही, और कुछ बदमाश लोग दवाइयां और इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी लिंक है जिसके जरिए आप कालाबाजारी करने वाले तक पहुँच सकते हो। फिर पोपटलाल ने अपनी अस्थि टन और भारती और डॉक्टर हाथी भाई के साथ मिल करके मिशन काला कौवा शुरू किया। अच्छा तो वो राजमणि और चिंतामणि जी पत्रकार है और वो यहाँ स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे। हाँ। और वो हाथी भाई को सफलता मिलने ही वाली थी कि उनका भांडा फूट गया और स्विमिंग पूल में गिर गया ना, उस वजह से। सर वो नकली आदमी लगता है, उसकी दाढ़ी मूछ नकली है। अच्छा आप प्लीज यहाँ मत आइए, इट्स नॉट सेफ। और ये बात तो दवाई की कालाबाजारी करने वाले को पता चली तो उन्होंने हाथी भाई को डरा धमका के वापस मुंबई भेज दी। मिस्टर मालपानी आप अभी के अभी अपने रूम पर जाइए
अपना पूरा लगेज पैक कीजिए, अभी के अभी ये रिसोर्ट छोड़कर चले जाइए। फिर पोपटलाल ने मुंबई से मुझे बुलाया 200 टीवी और 200 फ्रिज का ऑर्डर का बहाना बना के। फिर पोपटलाल ने मुझे सिंह ऑपरेशन में शामिल किया और मैं भेष बदल के दवाई की काला बाजारी करने वाले आदमी को मिलने गया। मुझे 10,000 इंजेक्शन और 50,000 वैक्सीन चाहिए। ओह, आई सी, वेरी इंटरेस्टिंग। फिर क्या हुआ? इसलिए हमें शक हुआ कि ये रिजॉर्ट में कोई तो है जो ये दवाई की काला बाजारी करने वालों के साथ मिला हुआ है। जब हाथी भाई पूल में गिरे थे तब वो वेटर मुकेश वहीं पर था। ये भी रिजॉर्ट में बार बार सामने से मिलने आ जाती है। अरे वो रिसेप्शनिस्ट संजना। इस मैनेजर पर मुझे सबसे ज्यादा डाउट है। और हमने चेकिंग शुरू किया तो हमें पता चला कि रिसेप्शन पर जो लड़की होती है संजना, वो और एक दीप्ति नाम की लड़की, ये दो लड़की तो दवाई की काला बाजारी करने वालों के साथ मिली हुई। मैनेजर, अभी जिनके बारे में बताया वो दोनों लड़कियां कहाँ हैं? यही कहीं रिसोर्ट में होंगी। बैकवार्ड, दो लड़कियों को ढूंढ कर लाओ। एयर रूम सर्विस, इनकी मदद कर। गो, क्विक। चलिए। चाचा जी, बागा और जेठाला, मैंने तुम लोगों पर शक किया। आई एम रियली सॉरी। मुझे भी माफ कर देना, मैंने आप पर शक किया। अरे नहीं नहीं, आपने शक किया वो तो अच्छा हुआ, क्योंकि आपकी वजह से चालू जी, पांडे जी यहाँ आए। लेकिन एक बात बोलूं जेठालाल, तुम लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा है। क्यों? क्यों? अरे क्या क्यों, दवाइयों की काला बाजारी करने वालों को पकड़ने का काम भी गोकुलधाम वाले करेंगे, तो पुलिस वाले क्या करेंगे है? अरे लेकिन पांडे जी, अभी केस सॉल्व कहाँ हुआ है? अभी तो उस दवाई की काला बाजारी करने वाले को पकड़ना है, पोपट भाई और भारती जी को बचाना है, उन्हें ढूंढना है। यस पांडे बेटा, अभी जल्द से जल्द पोपटलाल और भारती को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ पांडे जी। यस चाचा जी, अगर पोपटलाल और भारती को ढूंढना है तो सबसे पहले उन दो लड़कियों को ढूंढना होगा जो दवाइयों की काला बाजारी करने वालों से मिली हुई। सर, वो दोनों लड़कियां तो घर पे कुछ काम है ऐसा बहाना बनाकर कहीं चली गई है। ना, जैसे ही पुलिस आई वो लड़की और दवाइयों की कालाबाजारी करने वाले रिजॉर्ट से गायब। आज 6 बजे उस दवाई की कालाबाजारी करने वाले की कस्टमर के साथ मीटिंग थी। मैनेजर, सबसे पहले मुझे रिजॉर्ट का CCTV फुटेज दिखाओ। मुझे जानना है कि पोपटलाल को कहां और कौन सी गाड़ी में लेकर गए। नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं देख सकते? होटल की आंखें उन दोनों ने बंद कर दी है। होटल की आंखें बंद कर दी मतलब? मतलब ये कि उन दोनों ने बड़ी चालाकी से CCTV कैमरे के सिस्टम क्रैश कर दी है ताकि बिंदास वो अपना काम कर सके। अरे कैसे मैनेजर हो भाई, तुम रिजोर्ट का ध्यान भी नहीं रख सकते। सॉरी सर। बैकवार्ड, सिक्योरिटी गार्ड से पता लगाओ कि कोई भी डाउटफुल आदमी मेन गेट से बाहर गया है या नहीं। नहीं पांडे जी, हमने सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, यहाँ से कोई गाड़ी बाहर नहीं गई है। फिर क्या कोई चॉपर आया था जो उसे उठा कर लेकर गया? ये तुम लोग एक दूसरे को ऐसे क्या देख रहे हो? चॉपर मतलब हेलीकॉप्टर, टक 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 ऐसा घूमता है ऊपर। नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है, हमारे रिजॉर्ट में हेलीपैड ही नहीं है। अच्छा, तो फिर पोपटलाल को यहीं कहीं रिजॉर्ट में छुपाया होगा। जब वो गुंडे हमारे पीछे पड़े थे तब उनसे बचने के लिए हम पूरा रिसोर्ट घूम चुके हैं, लेकिन पोपट भाई और भारती जी कहीं नहीं दिखे। हाँ। आप लोगों ने लेक साइड और ट्रेन का रूट देखा? नहीं। तो वो भी एक बार देख लेते। एक मिनट, जैसे सबका पर्सनल प्लेन होता है वैसे तुम लोगों का पर्सनल ट्रेन भी है क्या? नहीं सर, बच्चों के लिए टॉय ट्रेन है। कहाँ वो? मुझे उस ट्रेन का हर कंपार्टमेंट चेक करना होगा। कौन? सिर्फ 7 मिनट बचे हैं 6 बजने में। जी लो अपनी जिंदगी। टिक टॉक, टिक टॉक। पोपट भाई, हम 7 मिनट में क्या कर लेंगे? तुम चिंता मत करो, भगवान सत्य को कभी हारने नहीं देंगे, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अब तो भगवान ही बचा सकते हैं।
हरे कृष्णा। ये देखिए सर, ये है बुलेट ट्रेन जिसकी मैं बात कर रहा था। Oh my God, ये तो बुलेट ट्रेन है, ये तो 300 किलोमीटर पर आवर चलती होगी। तुम इसमें बच्चों को राइड कराते हो? नहीं सर, इसका सिर्फ नाम बुलेट ट्रेन है, लेकिन इसकी स्पीड बुलेट ट्रेन जितनी नहीं है। कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर पर आवर। That's okay. चालू जी, पांडे जी, अभी हम लोग ढूंढे पोपटलाल और भारती को। एक मिनट जेठालाल, इसकी टिकट कहाँ मिलेगी? किसकी टिकट? अरे इस ट्रेन की टिकट जेठालाल। टिकट? इसमें टिकट की क्या जरूरत है? बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल करना गुनाह है जेठालाल, और अगर एक कानून का ही रखवाला कानून तोड़ेगा तो कैसा लगेगा? सर ये फ्री राइड है। ओह देन इट्स ओके, कम ऑन, मूव मूव मूव, चल चल चल, जल्दी जल्दी जल्दी। आइए बाबू जी, यहाँ 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 आ जाइए, यहाँ आ जाइए। क्या सब लोग एक ही डब्बे में? और भी डब्बे हैं ना। सॉरी सर, बाबू जी जाने दो इनको। कौन जाने दो? ओके हाँ, हम लोग जाते हैं, चलो चल। आइए आइए बाबू, चल चल बाबा, चल चल चल, यहाँ बैठ, आइए बाबा, यहाँ बैठ जा। भारती दिखे? भारती को तो मैंने देखा नहीं है। पोपटलाल? वो भी नहीं दिखे यार, तुम भी देखो मैं भी देखता हूँ। देखो देखो, किसी को दिखा? नहीं सर। दिखा मुझे, दिखा लेकिन असली पोपट दिखा, पोपटलाल नहीं दिखा। जेठालाल जोक मार रहे हो? नहीं नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ, इट्स ओके, नाउ बी अलर्ट, हमें एक साथ उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमें अलग अलग होना पड़ेगा। टीम नंबर वन। उसमें कौन कौन है? मैं, जेठालाल, तुम हो, चाचा जी और ये बागा है। ओके, हम लोग कहाँ ढूंढे? तुम लोग रेस्टोरेंट में ढूंढोगे। ओके, चलो। टीम नंबर टू, तुम और मैं, हम लोग लेक पर जाएंगे। और सर टीम नंबर थ्री? तुम लोग लेक के झाड़ियों में ढूंढो ना यार, सब कुछ मुझसे ही पूछोगे। हरे राम हरे कृष्ण। अच्छे से भगवान का नाम लो, तुम वहीं जा रहे हो। हरे राम हरे कृष्ण। भारती क्या कर रही हो? पोपट माई, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें भगवान नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही कहा, सिर्फ 3.5 मिनट है भगवान के पास तुम्हें बचाने के लिए। सुना पोपट भाई, हमारे पास सिर्फ 3.5 मिनट ही बाकी हैं।
की हिम्मत रखो, मुझे कुछ सोचने दो। हाँ पोपट भाई, कुछ सोचिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप इंटेलिजेंट हैं, आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। दोस्तों, तमाम रंगों में सबसे गहरा रंग काला रंग होता है। काला रंग सब रंगों पर भारी पड़ जाता है और यहाँ काला बाजारी का काला रंग भी सब पर भारी पड़ रहा है। हालात ये है कि घड़ी के कांटे के साथ हमारे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। बहुत कम वक्त बचा है पोपटलाल की जिंदगी का, उतना ही कम वक्त बचा है जेठालाल और चालू पांडे जी के पास। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, क्योंकि पोपटलाल का पता नहीं चला तो काला बाजारी तो हम हाथ धोएंगे ही, पोपटलाल से भी हाथ धो सकते हैं। भाई अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि कहानी आगे क्या मोड़ देने वाली है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी होगा इस जल की तरह निर्मल होगा, हंसी से भरपूर होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.